भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी नॉन मुस्लिम कंट्री या फिर सेक्युलर कंट्री की आर्मी में मुसलमान भाइयों का जो है शिरकत करना कैसा है, और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ जो है मिलिट्री ऑपरेशन जो है कंडक्ट करवाने हों, तो उस सिचुएशन में एक आम मुसलमान के लिए शरीयत का क्या हुक्म है? ठीक है जी, उन्हें पहले तो ऐसी नौकरी ही को अवॉइड करना चाहिए कि उनके ऊपर कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाए। और जब ऐसा मुश्किल वक्त आए, आप मुस्लिम के खिलाफ कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं जी गैर मुस्लिम के खिलाफ भी नाहक ऑपरेशन हो तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आप इंसानियत की कदर सीखें। कुरान ने कहीं मुसलमान की जान की तो बात नहीं की सिर्फ, कुरान ने तो सूरतुल मायदा में फरमाया कि जिसने एक जान को भी नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो कुरान तो इंसानियत की जान की बात करता है, सिर्फ मुसलमान नहीं। सही बुखारी में हदीस है, जिसने एक जिम्मी काफिर को नाहक कत्ल कर दिया जो किसी मुसलमान अंपायर में जिजिया दे के रह रहा था, तो ऐसा मुसलमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा जो किसी काफिर को भी नाहक कत्ल कर दे। ये बुखारी शरीफ में। तो मुसलमान और काफिर के फर्क से बाहर निकले, इंसानियत की कदर करें। जज़ाकअल्लाह।